गोरखपुर के गोरख थाना क्षेत्र एक धोखाधड़ी का ठगी करने का मामला सामने आया। यहाँ एक युवक ने लाखों के सोने की हेरा फेरी कर बेटी को कनाडा भेजना चाहता था, लेकिन समय रहते पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें बीते 13 फरवरी को गोरखनाथ धाम क्षेत्र के रामनगर में लाखों का सोना हड़पने की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी युवक एक व्यापारी से 1 किलो 19 ग्राम सोना खरीदने के बहाने लेकर फरार हो गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। वही पीड़ित युवक ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गोरखपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस और साइबर सेल की मदद से आरोपी युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्त में आए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लूटा हुआ सोना भी बरामद कर लिया है। जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 13 फरवरी 2023 को एक ललन नामक व्यक्ति को राजीव कुमार वर्मा नामक व्यक्ति ने यहाँ पे सोना खरीदने के नाम पर यहाँ बुलाया। उससे 1019 ग्राम सोना यहाँ पे मंगवाया गया और उसके बाद में उस व्यक्ति को मंदिर के दर्शन के बहाने वहाँ लेके गए और पीछे से उसके घर से वो सोना गायब कर दिया। इस संबंध में थाना गोरखनाथ पर उसी दिन अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में पुलिस राजीव कुमार वर्मा, जो कि ओरिजिनली खजनी का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में थाना गोरखनाथ क्षेत्र में ही किराए के मकान में रहता था, उसी किराए के मकान पे ही ले जाके उन्होंने ये सोना वहाँ से साफ किया था। उसके बाद में ये व्यक्ति यहाँ से दिल्ली चला गया और दिल्ली से पंजाब चला गया और फरार हो गया। इसने अपने सभी मोबाइल और तमाम जितने भी गैजेट्स हैं कम्युनिकेशन के सब अपने परिवार के साथ बंद कर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।